रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। माधुरी की 3 बेटियां थी जो जन्म से ही दिव्यांग थी। उसकी बड़ी बेटी बिंद्रा बोल नहीं सकती थी तो मंझली बेटी सुन नहीं पाती थी और छोटी बेटी दृष्टि देख नहीं पाती थी। लेकिन तीनों बहनों के बीच इतना प्यार था कि उन्होंने एक दूसरे की कमी को कभी भी उजागर नहीं होने दिया। तीनों मिलकर एक दूसरे की कमी को पूरा भी किया करती थी। लेकिन अब उनके माता पिता को उनकी शादी की चिंता सताती थी, क्योंकि एक तो वो तीनों दिव्यांग, ऊपर से ऐसी लड़कियों को कोई भी अच्छा घर अपनी बहू के रूप में नहीं अपनाएगा। लेकिन कहते हैं ना, भगवान ने सबका भाग्य पहले ही निर्धारित किया हुआ है, इसीलिए उन तीनों दिव्यांग बहनों की शादी रमन, गगन और अमन नाम के 3 भाइयों से हो जाती है। और भगवान की कृपा से तीनों एक ही घर में जाती हैं, जहां उनकी सास सरला देवी उनका स्वागत करते हुए बोलती है, अरे मेरी अंधी गूंगी बहरी बहुओं, तुम लोगों के आगे कलश रखा है, उसे पैर से गिराकर अपने कदम अंदर रखो। बिंद्रा गूंगी थी तो वो बोल नहीं सकती, लेकिन सुन और देख सकती थी तो वो बड़े ही आराम से कलश पर पैर मारकर अंदर आती है। और बहरी सुनैना भी बिंद्रा को देखकर कलश गिराकर अंदर आ जाती है। और अंधी दृष्टि को कलश ना दिखने की वजह से वो इधर उधर पैर मारने लगती है। और ये देखकर सरला की पड़ोसन मधु बोलती है, अरे ये तुम्हारी छोटी बहू तो लंगड़ी खेलने लगी, इसको बोलो पहले कलश गिरा के अंदर तो आ जाए। अपनी बहन का ऐसे मजाक बनता देख बिंद्रा और सुनैना उसका हाथ पकड़कर उसके कलश को गिरवाकर उसे घर के अंदर लाते हैं। और ये देखकर बिंद्रा का पति रमन अपनी पड़ोसन मधु से बोलता है, आंटी जी किसी की कमी का ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और वैसे भी इन तीनों में कोई कमी नहीं है, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे की कमियों को पूरा करती हैं। फिर भी बेटा ऐसी क्या मजबूरी थी तुम लोगों की जो ऐसी आंख मुंह से अपाहिज लड़कियों को अपने घर की बहू बनाया। आंटी जी एक घर को संस्कार से भरी बहू की जरूरत होती है जो अपने ससुराल को स्वर्ग बना दे, और इन तीनों में वो गुण थे और हमको तीनों के गुणों के आगे ये कमियां बहुत छोटी लगी। अरे रमन बेटा इन लोगों को ये ज्ञान की बातें समझ नहीं आएंगी, क्यों अपना समय बर्बाद करता है, चल बहुओं को अंदर लेकर चल। सरला अपने बेटे और बहुओं के साथ घर के अंदर आती है, लेकिन उनकी ये तीखी बातें सुनकर मधु मन में बोलती है, बहुत उड़ रही हो ना अपनी बहुओं की एकता पर, मैंने भी ना तुम्हारे साथ साथ इन बहनों में फूट ना डलवाई तो मेरा नाम भी मधु नहीं। मधु अपने घर चली जाती है तो वहीं सरला अपनी तीनों बहुओं से बेहद खुश होती है, क्योंकि तीनों भले ही दिव्यांग थी लेकिन उन्होंने मिलकर घर की सारी जिम्मेदारियों को संभाल लिया था। सरला को किसी काम की कोई दिक्कत नहीं थी, बहुओं के आने के बाद तो सच में उसकी जिंदगी ऐश की हो गई थी। तीनों बहनें एक दूसरे के सहयोग से सभी काम आराम से करने लगी थी। लेकिन कहते हैं ना, खुशियों को नजर बहुत जल्दी लग जाती है। वही नजर लगाने एक दिन सरला की पड़ोसन मधु घर आती है और उसे बोलती है, और सरला बहन सब ठीक तो चल रहा है ना? मधु बहन भगवान की कृपा से सब ठीक है, बहुओं ने पूरा घर संभाल लिया, अरे मुझे तो किसी काम को हाथ ही नहीं लगाने देती। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है सरला बहन, फिर भी एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। इन दिव्यांग बहुओं के साथ दिक्कत तो होती होगी, अब तुम लाख छुपाओ, लेकिन जो देख सुन बोल नहीं सकती वो क्या ही हर काम को सही से करेंगी? नहीं नहीं बहन, तीनों मिलकर सभी काम अच्छे से कर लेती है, लगता ही नहीं है कि उनमें कोई कमी है। फिर तो पक्का ये तीनों बहनें तुम्हारे घर को हथियाने की प्लानिंग कर रही हैं, क्योंकि खुद सोचो जिन्होंने इतने समय में सारे घर की जिम्मेदारियां ले ली वो तुम्हारे बेटों को भी अपनी तरफ करके तुम्हें घर से निकलवा देंगी। अरे पर ऐसा क्यों करेंगी मेरी बहुएं, ये सब तो उन्हीं का है। अरे बहन लालच, अब तीनों की शादी एक ही जगह हुई है तो सोचो वो चाहती हैं कि जल्दी से तुमको साइड करके अपना राज बनाएं, और वैसे भी वो तीनों तो दिव्यांग है, तुमको कुछ होने पर लोग उनको कुछ बोलेंगे तो नहीं। मधु की बातें सरला के दिलो दिमाग में घर कर जाती हैं, और वो अपनी बहुओं के बीच फूट डालने के लिए उनको बुलाकर उनसे बोलती है, बहुओं मैं देख रही हूँ कि तुम तीनों में कोई काम कम करता है कोई ज्यादा, ऐसे ही एक इंसान के ऊपर सारी जिम्मेदारियाँ आ जाएंगी, ये कब तक चलेगा, इसलिए मैंने कुछ सोचा है। क्या माँ जी,
आपने क्या सोचा है? मैंने सोचा है कि अब से तुम तीनों अपना काम अलग अलग करोगी। मैं तुम तीनों को अलग करती हूँ, इसलिए अब तीनों अपना काम बांट लो और कोई भी एक दूसरे के काम में मदद नहीं करेगा। देख लीजिए माँ जी, कहीं बाद में आपने हमें दूसरे काम करने के लिए कहा ना, तो फिर हम भी ये घर छोड़कर चली जाएंगी। नहीं नहीं, मैं क्यों कहूँगी, मैंने ही तो तुम लोगों को अलग किया है। और कुछ भी पूछना हो तो मेरे पास आना, एक दूसरे से कुछ नहीं पूछोगे। कोई भी मदद चाहिए तो सीधा मेरे पास आना। सरला की ये सारी बातें सुनकर मधु बहुत खुश होती है, क्योंकि वो तो एक हंसते खेलते परिवार में फूट डालने ही आई थी, जिसमें वो कामयाब हो गई थी। अब तीनों बहुएं अपने अपने काम को बांट लेती है। गूंगी बिंद्रा के पल्ले घर की सफाई आती है और अंधी दृष्टि के पल्ले खाना बनाने की जिम्मेदारी आती है, तो वहीं सुनैना के हाथ बर्तन और कपड़े धोने की जिम्मेदारी आती है। अब तीनों बहुएं अपने अपने कामों में लग जाती है। दृष्टि सुबह सुबह सबको आधा कच्चा पक्का खाना खिलाती है, लेकिन सरला उसको कुछ बोल नहीं सकती थी। एक शाम जब सरला का चाय पीने का मन था, तो वो दृष्टि को चाय बनाने को कहती है। कुछ देर में वो सबके लिए चाय लेकर आती है, जिसे पीते ही सरला उसे थूकते हुए बोलती है, हाय हाय, तुझे चाय बनाने को कहा था, काढ़ा नहीं, चाय में नमक कौन डालता है। देखिए माँ जी, अब मैंने तो रसोई में डब्बे सजाए नहीं थे, कहाँ चीनी है कहाँ नमक है, अंदाजे से उठा रही थी, गलती से नमक का डब्बा हाथ लग गया होगा। अरे तो अकल की अंधी पहले चख लिया करना कि क्या डाल रही है। हाँ माँ जी, अब से ध्यान रखूंगे। ले जा इस चाय को, सारे मुँह का स्वाद बिगाड़ दिया। दृष्टि तो अपने कामों में असफल होने लगी थी, वहीं दूसरी तरफ बिंद्रा पूरे घर की सफाई कर रही होती है, जिसके कारण वो पोछा लगाकर हटती है। तभी सरला गीले फर्श पर नंगे पैर आने की वजह से फिसल जाती है और जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, हाय राम, मर गई, आज तो इसने मेरी कमर ही तोड़ दी। अरे बिंद्रा की बच्ची, सुनाई नहीं दे रहा क्या? हे भगवान, सामने खड़ी थी तो बोल नहीं सकती थी कि फर्श गीला है। बिंद्रा सरला की बात का कोई जवाब नहीं देती, बस उसको उठाकर सोफे पर बिठा देती है। ये देखकर सरला बोलती है, हाय राम, मैं भी किसको बोल रही हूँ बोलने को, ये गूंगी बोलेगी भी तो क्या। बेचारी सरला अपनी हंसती खेलती जिंदगी को खुद ही जहन्नुम बना बैठी, लेकिन अभी तो सुनैना के कारनामे बचे थे। सुनैना को सुनाई नहीं देता था, इसीलिए जब वो बर्तन धोती तो इतनी जोर जोर से बर्तन बजाती कि सरला के दिन का आराम भी हराम हो गया था। वो जैसे ही सोने जाती, सुनैना की जोर जोर से बर्तन और कपड़े धोने की आवाज उसे सोने नहीं देती, जिसके कारण सरला का बुरा हाल था। ना तो उसको अच्छा खाने को मिलता और ना ही आराम करने को मिलता। ये सब देखकर वो बोलती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैंने ही इन तीनों को कहा था कि अलग हो जाओ और एक दूसरे की मदद मत करना। मुझे तो लगा था ऐसा करके मैं राज करूंगी अपनी बहुओं पर, लेकिन यहाँ तो मेरी ही नौकरानी जैसी हालत हो गई। अब क्या करूं? इनको कुछ बोला तो घर छोड़कर चली जाएंगी। सरला अपने कमरे में परेशान बैठी थी, तभी वहाँ रमन आता है, जो अपनी माँ को परेशान देखकर बोलता है, क्या हुआ माँ, ऐसे परेशान क्यों हो? बेटा, मैंने किसी और की बातों में आकर अपना ही घर बर्बाद कर लिया और बहुओं में फूट डलवा दी। अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। पहले मुझे पूरी बात बताओ, किसके कहने पर आपने क्या किया? सरला रमन को सारी बात बताती है कि उसने मधु के कहने पर अपने हंसते खेलते परिवार में दरार डाल दी। ये सुनकर रमन अपनी माँ से कुछ बोलता, उससे पहले ही बिंद्रा, सुनैना और दृष्टि सरला के कमरे में आती है और दृष्टि अपनी सास से बोलती है, माँ जी, हम तीनों बहनों में तो कोई चाहकर भी फूट नहीं डाल सकता, तो फिर आप क्या करेंगी? देखिए, हमने आपकी बात का मान रखने के लिए ही अपने कामों को अलग अलग बांट लिया था, लेकिन आपने खुद देखा ना कि जहाँ हम तीनों बहनें एक दूसरे की कमजोरी को पूरा कर सारा काम अच्छे से कर लेती है, वहीं अलग अलग रहकर हम सारे कामों में गड़बड़ कर देती है। दृष्टि सही बोल रही है माँ, और किसी के कहने से अपने घर को आग नहीं लगाया करते। लोग तो हमेशा दूसरों की खुशियों से जलकर उनके घर में फूट डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये हमारा फर्ज है कि हम किसी की बातों में ना आएं और जो हमारे घर के लिए सही है वो फैसला लें। सही कहते हैं कि दूसरों की बातों में आकर कभी भी अपने घर में आग नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि दूसरों का कुछ नहीं जाता, हमारे ही घर का सुख चैन चला जाता है। इसीलिए अपने घर की खुशियों को बनाए रखें
और दूसरों की कड़वी बातों से दूर रहें। जिसका सपना था आईएएस बनकर देश सेवा करना। एक दिन शकुंतला कोचिंग सेंटर जा रही होती है, तभी ऊंची जात का एक गुट उसे बीच रास्ते में ही चारों तरफ से घेर लेता है। अरे छोटी जात की लड़की कलेक्टर की पढ़ाई करेगी के? सॉरी, चुपचाप घर चली जा, ना तो मार मार तेरा आज मोर बना देंगे। पत्थर मारो या गोली, कोचिंग सेंटर जाकर ही रहूंगी मैं। हटो आगे से, मुझे मेरी क्लास के लिए लेट हो रहा है। देखो तो इस छोटी जात के लोगों को, अब ये हमसे बराबरी करेंगे। अरे ये ऐसे नहीं मानेगी, आज तो इसको जाने ही नहीं देंगे। इसकी इतनी हिम्मत, छोटी जात की लड़की की, अभी मजा चखाते हैं इसे। छोड़ो मेरे बाल, छोड़ो। हाँ है हिम्मत, और तुम्हारा ये जात पात का भेदभाव और नहीं चलने वाला। अरे छोरी ये अड़ेला, ये किताबें पढ़ के थारा दिमाग खराब होगा केवल, और कुछ नहीं मिलना तुम्हें। ये थारी जात के लोग गाता ही नहीं बनाई हमने, ला। तभी भीड़ में से एक युवक उठकर आता है और उसे संभालता है। मैडम ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, बस वो अरे आप लोगों को शर्म नहीं आती क्या, एक लड़की को पढ़ने से रोकते हुए? जस्ट बिकॉज शी बिलोंग्स टू अ लोअर कास्ट, इट डजंट मीन कि आप इन लोगों को दबाते फिरेंगे। अरे किस बात का खौफ है तुम्हें, क्यों डरते हो उन लोगों से? अरे अंग्रेज कौन है तू, बेबे लागे है क्या तेरी? खा मखा का ज्ञान तो दे मत ज्ञान चंद। अरे आशिक बन रहा है क्या ज्यादा, 2.5 मिनट में आशिकी काट देंगे तेरी। और ये कैसी मानसिकता है आप लोगों की कि एक लड़की को पढ़ने से रोक रहे हो? अरे अपनी सभी मान मर्यादा भूल गए हो क्या? ये नीच जात की है, इनकी क्या मान मर्यादा? अरे ये क्या ऊंची नीची जाति लगा रखी है, इंसानियत नाम की चीज नहीं है क्या तुम में? जाति के आधार पर इस तरह भेदभाव करना शोभा नहीं देता आप लोगों को, और पता भी है ये कानूनी अपराध है। छोर इन बाद में, पहले तन्ने समझाऊं काम का कानून। अरे बाजरे पुलिस आ गई, अरे कल्टी मारो फटाफट। इस तरह पुलिस की गाड़ी को आता देख ऊंची जात का गुट 9:45 हो जाता है। हाँ भाई साहब फोन किया था, क्या मैटर है? जी सर मैंने ही कॉल किया था आपको, देखिए किस तरह जाति के आधार पर अत्याचार किया जा रहा है इस बेचारी लड़की पर। इस तरह दुष्यंत और शकुंतला उन लोगों के खिलाफ जातिगत भेदभाव की FIR दर्ज करवा देते हैं। पुलिस अपनी कार्यवाही में लग जाती है। वहीं दुष्यंत शकुंतला की मरहम पट्टी करवाने के लिए उसे क्लिनिक में ले जाता है। शकुंतला को दुष्यंत का ये स्वभाव बेहद पसंद आता है। दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अरे बेटिया ये चोट कैसा लगी तुमका? जी कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। अरे सब पता है मुझे, ये ऊंची जाति वाले लंदन का क्यों है? का? अरे बिटिया ये सब उन लोगों ने किया है, कल से तू कहीं नहीं जाएगी समझी। अरे मेरी गुड़िया आज से तो कोचिंग सेंटर जाना बंद, तो जान से बढ़ के कुछ रहा मान ले। क्यों इसमें मेरी क्या गलती है, क्यों ना जाऊँ मैं तो जाऊंगी पढ़ने। और हाँ उन सब के खिलाफ तो मैंने कंप्लेंट भी दर्ज करवा दी है। अरे बिटिया कान बड़े लोगों से खामों का पंगो ले रही है। गलत उन्होंने किया है, मैं नहीं डरने वाली उनमें से किसी से भी। पिताजी हमें अपने हक के लिए लड़ना होगा, आगे बढ़ना होगा। अरे ई ना मनिए, इसको मेरी बहन के घर छोड़ाओ, कहीं ऊंच नीच हो गई ना तो सब धरा का धरा रह जाइए। शकुंतला के माता पिता उसे उसके शहर में रह रही मौसी कोकिला के घर भेज देते हैं। अब उसकी बाकी की UPSC की तैयारी शहर में ही पूरी होती है, जहाँ के कोचिंग सेंटर में इत्तेफाक से उसकी मुलाकात दुष्यंत से होती है। अरे तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ, तुम्हें दोबारा देखकर अच्छा लगा। तुम यहाँ शहर में कब से रहने लगी? उस गांव में पढ़ना जरा मुश्किल हो गया था, हर कोई तुम जैसा नहीं होता ना। एंड बाय द वे थैंक यू उस दिन के लिए। पर तुम्हारी बहादुरी भी कुछ कम नहीं है, वैसे अब तुम एक इंस्टीट्यूट में है,
तो मुलाकात तो होती ही रहेगी। दुष्यंत और शकुंतला बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये दोस्ती तब्दील हो जाती है मोहब्बत में। पर दुष्यंत के माता पिता को ये रिश्ता मंजूर नहीं होता, लेकिन समाज की बेड़ियों और पुरानी रीत को तोड़ते हुए दोनों एक दूसरे से कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। शादी करने के बाद जैसे ही दुष्यंत शकुंतला को लेकर अपने घर जाता है, अरे बेटा, अरे कौन है लड़की? पिताजी, ये आपकी बहू शकुंतला है, हमने कोर्ट मैरिज कर ली। बादशाह मेरी नजरों से दूर, पूरे समाज में तूने मारी थू थू करा दी कती। माँ, आपने ही तो कहा था कि सब लोग एक होते हैं, तो अब ये भेदभाव क्यों? अरे वो तो बात की बात थी, पर ये क्या किया तूने? नीच जाति की लड़की भी लाया। प्रणाम सासू माँ। अरे कब तक आप लोग जाति के नाम पर रोना रोते रहेंगे? समझते क्यों नहीं सब लोगों को बराबरी का हक होता है? अरे तू इस दलित लड़की को भ्याल आया जिसकी वजह से हमारी जाति के कई लोग जेल गए थे। मैं कह रही हूँ अभी इस रिश्ते को तोड़ दे। अरे गुड्डे गुड़िया का खेल समझा है क्या आपने शादी ब्याह को? आपकी ऊंची जात वाले लोगों ने मेरे साथ क्या किया था वो याद नहीं आपको? जो किया था सही किया था। आई बड़ी मुझसे जुबान लड़ाएगी? इतनी हिम्मत? अभी बताती हूँ। बस माँ बस, बहुत हो गया, अब और नहीं चल सकता है जातिवाद प्रथा, हमें इसे खत्म करना ही होगा। आप अपनी बहू को अपना लीजिए वरना मैं घर छोड़ दूंगा। आज के बाद मेरे घर की दहलीज पे कदम मत रखियो, चल। इस तरह दुष्यंत के माता पिता उन दोनों को जलील कर घर से निकाल देते हैं। वहीं रूढ़िवादी समाज भी उनका दाना पानी बंद कर उन्हें बहिष्कृत कर देता है। समाज पे धब्बा है ये, आए बड़े आईएएस बनने। हाय, इंटर कास्ट शादी, इस तुच्छ जाति वाली ने मती मार दी। हाय हाय। लोगों की दकियानुसी बातों और तमाम मुसीबतों के बाद भी अपनी शकुंतला और दुष्यंत की इंटर कास्ट जोड़ी हार नहीं मानती। इन विपरीत परिस्थितियों से लड़ते हुए वो दोनों अपनी जॉब और पढ़ाई जारी रखते हैं और आईएएस ऑफिसर बनकर एक मिसाल बन जाते हैं, जिसके कारण समाज की छोटी सोच में परिवर्तन आता है। अरे जात पात कछु नहीं होता, बता दिया अपनी शकुंतला बिटिया ने, कितना नाम रोशन किया उसने अपने लाल कुआं गांव का। हाँ। अरे वाह, कितनी अच्छी सोच वाला लड़का है ये दुष्यंत, जात पात में कोई भेदभाव ही नहीं करता। इतनी अच्छी सोच की वजह से ही शायद आज ये आईएएस बन गया है। अगर मुझे भी सफल होना है ना, तो ऐसी ही सोच रखनी पड़ेगी। रूढ़ीवादी सोच वाला लाल कुआं गांव आखिरकार उदारवादी मानसिकता अपना ही लेता है। वहीं दुष्यंत और शकुंतला के परिवार वाले भी जात पात को भूल दोनों को अपना लेते हैं। इस तरह पूरा समाज समानता के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों, क्या आपके आसपास भी जात पात को लेकर भेदभाव है? कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।